એટલે મારું ધ્યાન નતું, હરખો આવ્યો કે નહીં જોવું પડશે, આવ્યો ખરો થોડોક. हेलो, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग गाइस. कैसे आप सब लोग, आई होप कि सब ठीक होगा. मैं भी ठीक हूँ. तो दोस्तों, आज है गुरु पूर्णिमा. तो गुरु पूर्णिमा के दिन हम सब जाने वाले हैं आश्रम पर. मैं, बिंदेश भाई और सब जाने वाले हैं. चक्कू और वेदू, एकता भी सब जाने वाले हैं. तो आज का ब्लॉग हम यहीं से स्टार्ट करते. तो चलिए फिर, आज गुरु पूर्णिमा को हमने क्या क्या किया वो सब हम आज मैं आपको दिखाऊंगा रूटीन का. तो चलिए फिर वीडियो को यहीं से स्टार्ट करते. तो गाइस, अभी हम निकल गए खेड़कंपा के लिए आश्रम जाने के लिए. तो बिंदेश है वो आगे खड़ा है रिलायंस पर, और एकता अभी जो है यहाँ पर हमारे साथ है. अभी एकता अभी को छोड़ देंगे बिंदेश भाई के साथ, और साथ में ही जाएंगे वहाँ पर. तो आज क्या क्या प्रोग्राम होगा वो सब आपको दिखाएंगे. तो अभी हमारे साथ है मानव, एकता अभी, चकू और ये छोटी. आ गए अभी आश्रम पर हम. वीरू पहले से ही आ गया था, बिंदेश भाई भी पीछे पीछे ही है. चलिए अभी अंदर जाते हैं. तो आज गुरु पूर्णिमा के निमित्त पर ठाकुर जी को बहुत ही अच्छी तरीके से श्रृंगार किया हुआ है. तो ये हमारे परम पूज्य गुरु जी हैं, तो उनका आसन लगा दिया है. तो थोड़ी देर में हम उनकी पूजा करेंगे, आरती करेंगे. तो हमारे जो गुरु जी हैं वो हिमालय में रहते हैं, तो हम वहाँ पर जा नहीं सकते हैं अभी. तो इसीलिए हम उनकी ऐसे ही यहाँ पर पूजा करते हैं. और हम पिछली दीपावली को वहाँ पर गए थे, तो हमने वहाँ का व्लॉग भी बनाया था. अगर आप लोगों ने व्लॉग नहीं देखा है तो मैं आई बटन में लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूँगा, तो जाके ज़रूर से देखिएगा. तो यहाँ पर है वो वेदू का विष्णु तिलक हो रहा है. तो एक के बाद एक सबका तिलक होगा. बाबरी क्या कर रहे हो तू? अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, क्योंकि अभी जो ये दिए भरने हैं इसीलिए. चले फिर जाते हैं अंदर और जल्दी से दिए भर लेते हैं, क्योंकि आरती के लिए चाहिए होंगे. तो आरती तैयार कर कर अभी हम लेके आए हैं. तो पहले गुरु जी को वो तिलक करेंगे, फिर उनकी पूजा करेंगे और फिर आरती करेंगे. तो चलिए फिर. तो आरती गुरु जी की पूरी हो चुकी है, अभी भजन की बारी है. भजन गाएंगे सब.
तो अभी जो गुरु पूर्णिमा की सब विधि थी, आरती थी, गुरु जी की पूजा थी, वो सब पूरा हो चुका है। तो अभी हम चारों घूमने निकले हैं यहाँ पर पहाड़ में। साथी मेरे साथ ना, या ओ मेरा साथी मेरे साथ ना, काटे ना कटे दिन रात। आश्रम के बाजू में ही ये पहाड़ है। फॉरेस्ट खाते वालों ने यहाँ पर बॉर्डर लगा दी। यहाँ से ये जो है फॉरेस्ट खाते में आता है, और अभी उस साइड का फॉरेस्ट खाते में नहीं है। तो यहाँ पर इन्होंने जो है छोटे छोटे छोड़ लगाए हैं, कांटे। पिक्चर है, कांटे लगा, कांटा लगा। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी कांटे मूवी है। कांटे लगा की रखना मारो, मुझे मारो, मारो, मुझे मारो, मारो, नहीं ये मजाक हो रहा है। चलिए अभी जाते हैं यहाँ पर, इस पहाड़ की चोटी पर जाने का निश्चय किया इन गुंडों ने सबने। आधे रास्ते तक आ गए हैं, अभी आधा बाकी है। अभी तो कहाँ जाना है मालूम नहीं, तेरे को मालूम नहीं। ऊपर सहस्त्रताल जाना है, इतने मत थक गए। अबे साले 35 किलोमीटर है गुरुजी के यहाँ से। यहाँ से देखिए पीछे का जो नजारा है बहुत ही बढ़िया है, तो ऊपर जाकर तो बहुत ही अच्छा रहेगा। सॉरी इधर ऊपर कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। पोपट हो गया है, खाने का तैयार हो गया, नीचे से फोन भी आ गया, तो अभी जाना पड़ेगा क्योंकि अभी तो आधा रास्ता है। यहाँ से ऊपर जाए उससे अच्छा है कि नीचे आ जाए, क्योंकि ऊपर जाएंगे तो थोड़ी देर बैठना पड़ेगा, लेट हो जाएगा। तो चलिए आपको यहाँ से जो नजारा दिखता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जाने जाने मन तेरा, माने ना माने दिल मेरा, तू ही तो जा। सीधा पत्थर मड़ी ले ला, अभी जगह दौड़ पकड़ ले दो। रास्ता ऐसा है, ध्यान से उतरना भाई साहब। अबे मैं अभी बोल रहा हूँ। मारो ध्यान ना। तो नीचे हम आ गए हैं, भूख की तैयारी हो रही है, पूरियां सब तली जा रही है, और दूसरी साइड पर जो है आसन बिछाकर सबके लिए थाली बिछा दी है। तो चलिए फिर सब मिलकर खाना खाएंगे और खिलाएंगे। तो आश्रम पर सब प्रोग्राम पूरा कर घर के लिए निकल गए हैं। तो घर पर जाकर आराम करेंगे और देखते हैं शाम को फिर क्या करते हैं। चलिए तो दोस्तों, आश्रम से तो हम दोपहर को घर पर आ गए थे, तो फिर आराम कर फिर साइट पर गए थे। तो मैंने कुछ शूट किया नहीं था क्योंकि उसमें कुछ खास था नहीं। तो आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय, सताराम बाय। प्लॉट मोटो।